आज हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ खिंचा चला आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं, एक तो छोटी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जहां मैं कह रही हूं ना, पूरा दिल्ली दरबार से मतलब ये है कि सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार के चेहरे, वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पैदल चल रहे हैं। ये सम्मान, ये जहन में, दिल में कद्र और इज्जत, तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी नेताजी सुभाष मार्ग से निकल चुका है आगे की तरफ ये अंतिम यात्रा। अब पड़ाव है निषाद राजमार्ग, फिर उसके बाद शांतिवन चौक, और उसके बाद आता है राष्ट्रीय स्मृति स्थल, जहां पर 1.5 एकड़ की जमीन एक खूबसूरत स्मृति स्थल के लिए सरकार ने सौंपी है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ स्मृति स्थल से जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। तैयारियां क्या है जितेंद्र, और कितना दूर है काफिला? देखिए, यहाँ पर तैयारियां जोर शोर चल रही है। जो मेहमान हैं, जो डिग्निटरीज हैं, चाहे वो देश से हो चाहे वो बाहर से हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो काफी सारी कंट्रीज के एम्बेसडर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गवर्नर्स यहाँ पहुंच चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा विपक्षी दल के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी अभी अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर विपक्षी पार्टी की बात करें तो गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, राजबब्बर, आनंद शर्मा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी लोग, मतलब कहना चाहूंगा रूपिका, क्योंकि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का औरा था या उनके उनको लेकर के सभी पार्टियों के अंदर एक तरह से दोस्ताना माहौल था, और उनके बारे में कहा भी जाता था कि कहते हैं कि उनके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये थी कि उनका कोई भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के अंदर उनके चाहने वाले थे। और उसी लिहाज से यहाँ पर हर तरह के लोग, देश के कोने कोने से लोग, विदेश से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ देर में ही यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्थिव शरीर है, वो भी यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर चल चुका है। और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर का फासला और है जो कि तय किया जाना है, लेकिन क्योंकि लोग भी उनके साथ चल रहे हैं, इसलिए काफिला काफी धीरे धीरे चल रहा है। और इससे पहले जितने भी उनके आखिरी दर्शन करना चाहते हैं और अंतिम संस्कार के समय उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं।